कहानी 50वीं। यशोरा वापस आवना। करीब 2000 साल ते संसार च सारी जगह ज्यादा ते ज्यादा लोग मसीह यशोरा सुसमाचार सुनने लग रहे, कलिसिया बढ़ने लग रही। यशो ने कसम खाई बई से संसार रे आखरी च वापस आवना, जबकि अबू से वापस नहीं आई रहा, तब भी से अपने वादे जो पूरा करगा। जब असे यशोरे वापस आवने रा इंतजार करा है, परमेश्वर असा ते एड़ा जीवन जीने री कामना करा जो पवित्र हो और जो तीसरा आदर करदा हो। जब यीशु धरती पर रहा तब तिने बोलिया, मेरे चेले संसार च सारी जगह रे लोका जो परमेश्वर रे राज्य रे बारे च शुभ संदेश और तिना जो बतांगे, और तब तक आखिरी दिन आई जाना। बहुत सारी जातियां ने अबू तक यीशु रे बारे च नहीं सुनी रहा। स्वर्ग जो जाने ते पहले यीशु ने मसीहा जो तिना लोका जो सुसमाचार सुनाने जो बोलिया, जिन्हें इतने जो कदी नहीं सुनिया। तिने बोलिया, जाओ और सारे जातरे लोका जो चेला बनाओ और कटाई करने खतर फसल आई गिरी। यीशु ने ये भी बोलिया, कोई भी आदमी अपने मालिका ते बड़ा नहीं हुंदा। इस संसार रे बड़े लोका ने माँ ते नफरत की और मेरी वजह ते से तुसा जो भी तंग कर गए और मारी देंगे। इस संसार च तुसे दुखी रहने पर खड़े रहना, मैं सैताना जो हराई तेरा जो इस संसार च राज करा। जे तुसे आखरी तक मेरी नजर च ठीक रहो तो परमेश्वर तुसा जो बचांगा। यीशु ने अपने चेले जो समझाने खतर एक कहानी सुनाई, बई जब संसार रा आखरी समय होना तब लोका कने क्या होना। तिने बोलिया, बई एक आदमी ने अपनी बागटिया च सोना बीज बीजा। जब से सुतीरा था तब तीसरा दुश्मन आया और कणका रे बीजा रे बीजे जंगली बीज पाईते और तब से चलेगा। जब फसल उठी तब सेवका ने तिस आदमी जो बोलिया, हे स्वामी, ते तो अपने बागटिया च सोना बीज बीजा था, तब इतने च जंगली पौधे की आए। तिस आदमी ने बोलिया, ये मेरे दुश्मना रा ही काम आ, ये मेरा कोई दुश्मन ही आया जिन्हें एड़ा कित्या। तिने सेवका ने अपने मालिका जो बोलिया, बई असा जो जंगली पौधे पट्टी देने चाहिए। तिस आदमी ने बोलिया, नहीं, जे तुसे एड़ा कित्या तो तुसे कुछ फसल भी पट्टी देनी, फसल पटने तक रुको, तित्ते बाद जंगली पौधे जो एक गड्ढे च पाई दो, बई तुसे तित्ते जो फूकी सको, पर फसला जो मेरे भंडारा घरा च ले आओ। चेले ने सब बाता जो नहीं समझिया, इत्ते खतर तिने यशो जो इस बाता जो समझाने जो बोलिया। यशो ने बोलिया, सोना बीज बीजने वाला आदमी मसीह रे बारे च बता और बागटी संसार रे बारे च बताइया, और सोना बीज परमेश्वर रे राज्य रे लोका रे बारे च। जंगली पौधे तिस बुरे आदमी शैताना रे लोक है, तिस आदमी रा दुश्मन शैतान आ। तिने जंगली पौधे बीजते, कटाई इस संसार रा अंत आ और कटाई करने वाले परमेश्वर रे स्वर्ग दूत है। जब संसार रा अंत होना तब स्वर्ग दूत तिना सब लोका जो कट्ठा कर गए जो शैताना रे आए, से स्वर्ग दूत तिना जो बहुत गर्म आग च फेंकी देंगे। तिथि से लोग कष्ट च रहने और अपने दांत पिस गए, पर जो लोग धर्मी है जिन्हें यशो जो मान्या से तिनारे परमेश्वर पिता रे राज्य च सूरज साई चमकने। यशुआ ने ये बोलिया, बई से दुनिया रे अंत होने तक धरती पर आवना, से तिस तरीके कने वापस आवना जिया से गया था, जिया तिसगे असली शरीर होगा और से आकाशा पर सवार उई के आवना। जब यीशु आवना तो हर एक मसीह जो मरीगे से मरीरे में ते जी उठने और आकाशा च मिलने। तब से मसीही जो अबू भी जीवंदे से आकाशा चक्की लेने और तिना दूजे मसीहा कने मिली जाने जो मरीरे में ते जीवंदे उई जाए। से सब तिथि यशुआ कने उने, तिते बाद यशु अपने लोका कने रहना। जब से एक साथी रहने तब तिना गे सदा खतर शांति होनी। यशुआ ने तिस पर विश्वास करने वाले हर आदमी जो मुकुट देने रवादा कित्या, से सदा खतर परमेश्वर आरी हर चीजा पर अकदार होने, तिना गे सदा शांति होनी। पर परमेश्वर तिना सभी रा इंसाफ करगा जो यशुआ पर विश्वास नहीं कर दे, से तिना जो नरक च पाई देंगा, से तिथि रोने और पछताने और से सदा सजा कटदे रहने, कदी नहीं बुझने वाली आग च सदा फूकदे रहने और तिना जो कीड़े सदा खांदे रहने। जब यीशु आवना तब तिने शैताना जो और तीसरे राज्य जो खत्म करी देना, से शैताना जो नरक च पाई देंगा, शैतान सदा खतर फूकदा रहना। तिना सभी कने जिन्हें परमेश्वर री बात मानने री वजह शैताना पीछे चलने री सोची, इत्ते खतर भई
आदम और हव्वा ने परमेश्वरा री बात नहीं मानी और पापा जो इस संसार च ले आए, परमेश्वरा ने तिन्हों श्राप दित्या और तिस्सो खत्म करने का फैसला लिया। पर एक दिन परमेश्वर एक नवा स्वर्ग और नवी धरती जो बनागा जो अच्छे होने। यशु और तीसरे लोग तिसा नवी धरती पर रहने और से सदा खतर सारी चीजा पर राज करगा। से लोग अखिया ते सारे अंजू साफ करी देंगा। अब कोई भी पीड़ा च दुख च नहीं होने, से रोने नहीं, ना बीमार होने, ना मरने और तिथि कोई भी बुरा काम नहीं होना। यशु अपने राज्य पर न्याय और शांति कने राज्य करगा। से सदा खतर अपने लोग कने रहना।